हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दैन दी वैल्यू ऑफ डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि डेल एक्स कॉमा डेल वाई ओवर डेल आर कॉमा थीटा। तो एक डिटरमिनेंट फॉर्म में होती वैल्यू, यानी कि डेल डेल एक्स ओवर डेल आर, यहाँ से आ जाएगा डेल एक्स और ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल आर, फिर आ जाएगा यहाँ से डेल एक्स ओवर डेल थीटा और डेल वाई ओवर डेल थीटा। ये फार्मूला होता है यहाँ से। अब हमें इसका यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स ओवर डेल आर, तो डेल एक्स ओवर डेल आर आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, और डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल आर आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद डेल एक्स ओवर डेल थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा। उसके बाद डेल वाई ओवर डेल थीटा का निकालें तो यहाँ आ जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब ये डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर आर, अगर आर हम लोग इसमें कॉमन ले लें तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आर हमने कॉमन ले लिया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो आर इंटू वन क्या हो जाएगा वन आर, तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई आर। तो ये आया डेल एक्स ओवर डेल वाई, सॉरी डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, तो ये आ गया आर। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन दी वैल्यू ऑफ डेल टू थीटा ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2000 में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग हमें वैल्यू निकालनी डेल थीटा ओवर डेल वाई की, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी तरीके थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो अगर हम वाई अपॉन एक्स कर दें, यहाँ से वाई अपॉन एक्स, यानी इसमें इससे डिवाइड कर दें इक्वेशन से, तो आ जाएगा टेन थीटा। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम डेल थीटा ओवर डेल वाई इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डेल थीटा ओवर डेल वाई, तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, यहाँ से तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वन अपान, या सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स के हिसाब से अपकल कर लें इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डेल थीटा ओवर डेल एक्स वन प्लस बाई अपान एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पर बाई कांस्टेंट रहेगा, और एक्स वन अपान एक्स का हो जाएगा माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू बाई, यानी कि डेल बाई ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू बाई अगर कर रहे हैं तो यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले न्यूमरेटर ऐसे ही लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद माइनस विद माइनस फिर प्लस हो जाएगा बाई, ऐसे ही लिख लेंगे। इसका बाई के हिसाब से जब कलक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू बाई अपान, ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम लोग करेंगे यहाँ से सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बाई अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर बाई है, तो बाई का ये हो जाएगा माइनस सॉरी वन, अगर इसमें माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो
तो ये वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, ये चीज़ माइनस कामन ले लेंगे। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का टू वाई स्क्वायर, ये दे देगा माइनस का वाई स्क्वायर अपान, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दे देगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन, तो यहाँ से वैल्यू दे देगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको वैल्यू अगर रखें तो आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये दे देगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस टू थीटा अपान आर की पावर फोर, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू इक्वल टू लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन पूछा गया डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इज क्या होगा। तो क्वेश्चन आया है यू पी पी सी एस प्री 2003 में। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, तो यू इक्वल टू दिया गया है लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर हम चाहें तो इसको लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1.2 भी ले सकते हैं, लॉग एम की पावर एन, और ये हो जाता है एन लॉग एम, यानी कि यू इक्वल टू हो जाएगा 1.2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यू इधर यानी टू इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा टू यू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि टू बाहर आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, तो यह आ जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और वट एक्स का 2x² का हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू आ गया x/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसको हम लोग अगर डबल डेरिवेटिव निकालें इसका, यानी कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, तो क्या देगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का लगाएंगे अवकलन, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का अवकलन इंटू वन, माइनस ये टर्म न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x², ये आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दे देगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू बाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन वन को डाल लेंगे, इसको अगर डेल यहाँ से निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी बाई अपान x² प्लस वाई स्क्वायर, और अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि डेल टू यू ओवर डेल वाई टू, तो ये वैल्यू दे देगा माइनस का यानी कि x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर अपान x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री को जब ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, बाई पॉजिटिव है, यहाँ पर बाई नेगेटिव, ये यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव, ये आ जाएगा जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू इक्वल टू लॉग x³ प्लस y³ प्लस z³ बेस ई, देन पूछा गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा।
ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2008 में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालें यहाँ से, तो u इक्वल टू दिया गया, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर u, ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा यहाँ पर मिस फॉल्ट है क्वेश्चन में, यहाँ पर थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर माइनस का 3x बाई जेड, या इसको दोबारा लिखते हैं माइनस 3x बाई जेड, तो इसको ये हो जाएगा माइनस 3x बाई जेड। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू z, फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आ जाएगा e की पावर u डेल u ओवर डेल x, क्या दे देगा यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस y का कॉन्स्टेंट टर्म ये जीरो हो जाएगा, z भी जीरो हो जाएगा, और माइनस यहाँ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा 1 और बाकी 3yz ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आ जाएगा e की पावर u डेल u ओवर डेल y, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 3x z। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू अगर z करेंगे तो यानी कि डेल u ओवर डेल z, तो विद रिस्पेक्ट टू z अगर डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इसका, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3x y, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ लेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा e की पावर u, ये तो कॉमन हो जाएगा, डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इक्वल टू, क्या दे देगा यहाँ से 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और 3z स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उसके बाद यहाँ आ रहा माइनस का, प्लस करेंगे बट यहाँ माइनस इन कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है, जब इसको सॉल्व करेंगे और e की पावर u की वैल्यू क्या दी गई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, सॉरी डेल x डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अगर पूरे इस कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स अपॉन ई की पावर यू की वैल्यू हम रखेंगे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसको सॉल्व करें इसको और इसको, तो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है आर कॉस थीटा और वाई है आर साइन थीटा, तो पूछा गया डेल जेड ओवर डेल थीटा, तो डेल जेड ओवर डेल थीटा, तो अगर हम इसको अगर ब्रेक करें डेल जेड ओवर डेल थीटा को एक्स और वाई में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल थीटा प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल थीटा, क्योंकि डेल एक्स एक तरीके का कैंसिल अगर माना जाएगा तो डेल जेड ओवर डेल थीटा ही है, तो यहाँ से ही वैल्यू इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल, तो बाई ये तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स इंटू
डेल एक्स ओवर डेल थीटा यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा टू टू जो फोर वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल थीटा तो यह आ जाएगा आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस टू, इसको ऐसे लिखते हैं टू आर इसमें कॉमन ले लेंगे, टू आर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस टू बाई कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी तरीके से हमें यहाँ से एक्स और वाई हटाना है तो एक्स की जगह हम लोग पुट कर लेंगे आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, तो यह आ जाएगा टू आर माइनस एक्स की जगह आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही रहेगा प्लस टू वाई की जगह आर साइन थीटा आर इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। तो टू आर उसके बाद आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो हम लोग क्या करें इसमें इसको ऐसे रखते हैं तो यहाँ से माइनस का तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का आर साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि ये प्लस का है नहीं माइनस का है तो इसमें से ये घटा दिया तो ये आ गया आर साइन थीटा कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा, तो यहाँ से हमें वैल्यू आ गई डेल जेड ओवर डेल थीटा की आर स्क्वायर साइन टू थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर अपॉन एक्स प्लस वाई देन दी वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है UPPCS प्री 2007 में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले e की पावर u इसको लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपान x प्लस y, या इसको हम लोग मान लेंगे फंक्शन ऑफ f। तो यहाँ से हमें यूलर थ्योरम क्या हो जाएगी, यूलर थ्योरम तो ये हो जाएगी x डेल f ओवर डेल x प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ, ये फॉर्म हो जाएगी। बट यहाँ पर एन है कितना, तो ये क्योंकि ये होमोजेनियस डिग्री है, होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर कितनी है 4-1, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो 4-1 इक्वल टू 3, तो एन आ गया हमारा 3 इंटू एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ की जगह हम लोग रखेंगे एक्स डेल ओवर डेल एक्स, और एफ की जगह है ई की पावर यू प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई, और एफ की जगह वैल्यू है ई की पावर यू 3 इंटू ई की पावर यू। अब यहाँ से अगर ई की पावर यू का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ई की पावर यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर यू डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर यू। अब यहाँ भी ई की पावर यू है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।